मॉडल इस प्रेजेंटेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, वो हम बात करने जा रहे हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल की। प्रोटोटाइपिंग मॉडल की बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में पहले लिखवा दे थोड़ा, फिर इसके बारे में यार अगर मैं लिखवाऊंगा भी तो भी बहुत बड़ा पड़ जाएगा, तो भी वो काफ़ी लेंथी होगा। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस नोट्स की एक फ़ोटो भेज दूँ एंड वो कमेंट सेक्शन पे नोट्स के लिंक आएगा एक, वो ज़रूर खोल के एक बार देख लेना, ठीक है जी। सो डिसएडवांटेज जो वाटरफॉल मॉडल की थी वो ये थी कि हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर जो था वो अवेलेबल नहीं था, जब तक हमारा लास्ट या लेट एकदम लास्ट वाला प्रोसेस जब तक हो नहीं जाता। सो हमने कहा यार वर्किंग मॉडल अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा यार काम चीज़ कर भी रही है या नहीं कर रही। तो हमने एक अल्टरनेटिव मेथड निकाला दैट इज प्रोटोटाइपिंग मॉडल, जिसमें हमने सबसे पहले जो डेवलप किया, वी फर्स्ट डेवलप अ वर्किंग प्रोटोटाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर। इसमें ये लिख लो, वी फर्स्ट डेवलप द वर्किंग प्रोटोटाइप instead of developing the actual software, ठीक है जी। वर्किंग प्रोटोटाइप हम किस वे में बनाएंगे, एज पर आर करेंट रिक्वायरमेंट। वी डेवलप वर्किंग प्रोटोटाइप एज पर आर करेंट रिक्वायरमेंट। वी डेवलप वर्किंग प्रोटोटाइप एज पर आर करेंट रिक्वायरमेंट, कि हमारी करेंट रिक्वायरमेंट क्या है उसको देख के हम अपना वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। बेशक जब हमारा वो वर्किंग प्रोटोटाइप है तो उसकी कैपेबिलिटी तो कम होगी, रिलायबिलिटी तो कम होगी, टेस्टेड परफॉर्मेंस तो होगी नहीं, हमने उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट तो की नहीं होगी। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस वे में रन करेगा, हम एक जनरल देख ले, मतलब अगर हमें 2+3 अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम इंटीजर में डाल के चेक कर रहे हैं कि 2+3 5 आएगा, लेकिन हमने फ्लोटिंग का भी देखा नहीं है कि 2.5+3.5 हमारा क्या आएगा। हमने कहा ऐड तो सही कर रहे हैं, हमने एक वर्किंग प्रोटोटाइप देख लिया, हमने अभी तक अपने प्रोग्राम में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का चेक नहीं किया, हमने सिर्फ एक वर्किंग प्रोटोटाइप देखा कि हाँ ऐड तो भैया सही कर रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है, बस अब वैल्यू इंटीजर फ्लोट वो सब देखने की जरूरत है। डेवलप आर वर्किंग प्रोटोटाइप एज पर आर करंट रिक्वायरमेंट। सो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कैपेबिलिटी लो होगी, फंक्शन इट हैज लिमिटेड फंक्शनल कैपेबिलिटी, ठीक है, लो रिलायबिलिटी, ओके, एंड टेस्टेड तो होगा ही नहीं, अनटेस्टेड परफॉर्मेंस, ओके, ठीक है। अब जो इसका कोड है, कोड ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज थ्रोन अवे कोड, उसको हम थ्रोन अवे कोड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो एक्चुअल तो है ही नहीं ना, ठीक है, वो एक्चुअल तो है ही नहीं। जैसे हमारे पास एक्चुअल आ गया हम उसको फेंक देंगे पुराने वाले कोड को, जो हमारा यूजेबल कोड है या प्रोटोटाइपिंग कोड है, ठीक है। बेशक हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है डेवलपमेंट कॉस्ट बढ़ाता होगा, तो इसमें लिख सकते हो कि द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप माइट इन्वॉल्व एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट ओवरऑल कॉस्ट जो आती है दैट इज लो, बट ओवरऑल कॉस्ट टर्न आउट टू बी लोअर देन द इक्विवेलेंट सिस्टम डेवलप्ड। ओवरऑल कॉस्ट जो है लो आती है, ठीक है, अलग अलग की कॉस्ट भले हाई पड़ती है लेकिन ओवरऑल कॉस्ट हमें सस्ती पड़ जाती है बाकियों से, क्योंकि हमारे पास वर्किंग प्रोटोटाइप था,
हमने उससे देख के अपना मॉडल सही कर लिया। After finalizing our software, the prototype is discarded and actual system is then developed. After finalizing the software, the prototype is discarded. प्रोटोटाइप हम डिस्कार्ड करते थे, ठीक है। एंड देन एक्चुअल सिस्टम हमारा डेवलप्ड हो जाता है यूजिंग वॉटरफॉल अप्रोच। देन एक्चुअल सिस्टम इज डेवलप्ड यूजिंग वॉटरफॉल अप्रोच। वो कैसे, उसकी मैं बात बताता हूँ, ठीक है, उसकी मैं बात बताता हूँ। सो सबसे पहले तो आप ये छाप लो, अगर ये छाप लिया फिर हम इसको मिटा देते हैं एंड वो चीज़ बताते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ लास्ट लाइन में। वो ये कि हमारा वाटरफॉल मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे उसकी मैं बात करता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले रैपिड हमने कोई भी एक प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप मॉडल बता रहा हूं, याद रखना। देन हम एनालाइज करना शुरू करेंगे, देन डिजाइन, देन इंप्लीमेंट। सारा कुछ वाटरफॉल जैसे ही चल रहा है, बस हमने एक प्रोटोटाइप पहले से बना लिया इसमें। देन मेंटेनेंस एंड देन रिटायरमेंट, ये तो हमारा सारा कुछ पहले जैसा ही है। देखो सारा कुछ जरूर पहले जैसा है, लेकिन एक चीज पहले जैसी नहीं है, वो ये कि अगर मेरा मेंटेनेंस से कुछ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चेंज करने होंगे, मैं जाऊंगा चेंज करके आऊंगा। मुझे मेंटेनेंस के बाद कुछ डिजाइन में चेंज करना हो, मैं वो चेंज करूंगा। यहां से एनालाइज में चेंज करना हो, मैं वो चेंज करूंगा, ठीक है। दिस इज चेंजिंग रिक्वायरमेंट, मैं उसको चेंज करना शुरू करता हूँ। मतलब मैं चेंज अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ये मेरा प्रोटोटाइपिंग मॉडल कहता है। मेंटेनेंस करनी हो मेरे को तो मैं उसकी मेंटेनेंस किसी भी लेवल में जाके कहीं भी कर सकता हूँ। कुछ चेंज करना रिक्वायरमेंट में तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो इस प्रेजेंटेशन के इतने, इसकी अगली प्रेजेंटेशन में हम जो बात करेंगे दैट इज ऑफ सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स की बात करेंगे, जहाँ मैं लाइन ऑफ कोड, टोकन काउंट, फंक्शन काउंट, इन सबको बता के फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।